सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि वर्ल्ड कप के लिए सभी 10 टीमों ने अपनी जर्सी लॉन्च कर दिया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ उन सभी 10 टीमों की नई जर्सी के बारे में, जो कि इस वीडियो में आपको दिखाएंगे उन सभी 10 टीमों की नई जर्सी। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है बैट एंड बॉल ऐप ने, जो कि इंडिया का फर्स्ट प्रायोरिटी स्पोर्ट्स ऐप है। इसमें आपको 1 से लेकर 11 तक खिलाड़ी लगाने होते हैं, उनके प्रायोरिटी के हिसाब से। इसमें कोई भी क्रेडिट सिस्टम नहीं होता है, आप इसमें मनचाहे खिलाड़ियों की टीम बनाकर खेल सकते हैं किसी भी ऑर्डर में सेट करके। इसमें आपको ग्रैंड लीग में अनलिमिटेड टीम भी लगा सकते हैं, फ्री लीग और पेड लीग दोनों अवेलेबल है इस ऐप में। तभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस मिल जाएंगे। अब दोस्तों बिना देरी के चलिए बात करते हैं वर्ल्ड कप 2019 के लिए सभी 10 टीमों के उनके नई जर्सी के बारे में। तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की टीम की नई जर्सी लॉन्च कर दी गई है वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि पहले से बिल्कुल अलग है, पूरी तरह से बदल दी गई है इनकी जर्सी, जो कि डार्क ब्लू कलर की यह जर्सी है वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम का, जो कि वर्ल्ड कप 1992 में जो जर्सी थी इंग्लैंड की टीम, उसी जर्सी को मॉडिफाई किया गया है। वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की नई जर्सी लॉन्च हो चुकी थी वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा की तरह येलो कलर की जर्सी लॉन्च की थी, लेकिन इस बार येलो कलर के साथ ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन बनाया गया है और एक बढ़िया जर्सी लॉन्च की गई है वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की जर्सी इस बार पूरी तरह से बदल गई है, जो कि वर्ल्ड कप 2019 के लिए साउथ अफ्रीका की पूरी जर्सी, पूरी किट, जो कि ग्रीन कलर में दिखाई देने वाली है, यानी कि लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया गया है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की टीम की भी नई जर्सी लॉन्च हो चुकी है वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि पाकिस्तान टीम की नई जर्सी में अच्छा खासा डिजाइन देखने को मिल रहा है और हमेशा की तरह इस बार भी ग्रीन जर्सी है पूरी तरह से पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2019 के लिए। अब अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की टीम की भी नई जर्सी लॉन्च हो चुकी थी वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि श्रीलंका की टीम की इस बार नई जर्सी में काफी कुछ खास दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा खासा डिजाइन के साथ साथ ब्लू और येलो कलर का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की नई जर्सी लॉन्च कर दी गई थी वर्ल्ड कप 2019 के लिए, लेकिन इस बार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस बार अपनी नई जर्सी, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से पाकिस्तान की तरह लॉन्च की थी, जहां पर कोई भी रेड नहीं था, जो हमेशा की तरह उनकी जर्सी में होता था, और काफी क्रिटिसाइज के बाद आखिरकार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दूसरा न्यू जर्सी लॉन्च किया वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश लिखा हुआ है, वहां पर रेड भी दिखाई दे रहा है, रेड कलर का बढ़िया डिजाइन, और साथ ही पूरी जर्सी में ग्रीन कलर का बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी वर्ल्ड कप 2019 के लिए अपनी जर्सी लॉन्च कर दी थी, जो कि ब्लू कलर की एक जर्सी लॉन्च की गई थी, जो कि बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, साथ ही ब्लू कलर के साथ साथ रेड कलर की पट्टी यानी कि लाइन बनाई गई है, जो एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है ब्लू प्लस रेड का। अब अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो टीम इंडिया की नई जर्सी वर्ल्ड कप 2019 के लिए काफी समय पहले ही लॉन्च हो चुका था, जिसका फर्स्ट लुक आया था, वो पूरी जर्सी हमेशा की तरह ब्लू ही है, लेकिन इस बार डिजाइन में काफी कुछ बदलाव किया गया है, जो कि पूरी तरह से डिजाइन अलग दिखाई दे रहा है इस बार वर्ल्ड कप 2019 के लिए नई जर्सी में भारतीय टीम के। अब अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की नई जर्सी अभी तक वर्ल्ड कप 2019 के लिए ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन यह तय है कि न्यूजीलैंड की जर्सी हमेशा की तरह ब्लैक ही होने वाली है, क्योंकि इन्हें ब्लैक कैप्स भी कहा जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा सकता है इनके जर्सी में, जो कि नीचे और ऊपर यानी कि अपर एंड बिलो थोड़ा बहुत लाइट कलर का डिजाइन बनाया जा सकता है इनके जर्सी में, जैसे कि आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज की, तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने भी अभी तक अपनी जर्सी लॉन्च नहीं की है ऑफिशियली, जो कि हमेशा की तरह वेस्ट इंडीज की जर्सी वही सेम होने वाली है, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम अपनी जर्सी और कलर ज्यादा चेंज नहीं करती है, ऐसे में वर्ल्ड कप के लिए इनकी वही सेम जर्सी होने वाली है। तो गाइस ये रहे वो 10 टीमों की उनकी नई जर्सी वर्ल्ड कप 2019 के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें।